आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। नमस्कार, सत्य घटना के नैंक के साथ मैं सुगंधा। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य घटनाओं से। 24 मार्च से शुरू होने वाले यूपी बोर्ड की परीक्षा की तैयारियां पूरी, 7000 कक्ष निरीक्षकों की सूची जारी। गोरखपुर पुलिस ने 3 अंतरजनपदीय वाहन चोरों को किया गिरफ्तार, 8 मोटरसाइकिलें बरामद। गोरखपुर जिला मुख्यालय के ई डिस्ट्रिक्ट में कंट्रोल रूम स्थापित, आम आदमी कर सकता है अपनी शिकायत IGRS के हेल्पलाइन नंबरों पर। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के शहादत दिवस पर दिशा छात्र संगठन और नौजवान भारत सभा ने मोटरसाइकिल और साइकिल यात्रा निकाली। और 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाए जाने के क्रम में गोरखपुर जिलाधिकारी ने समस्त ग्राम प्रधानों के साथ किया जूम मीटिंग। और अब सत्य घटना विस्तार। यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। 24 मार्च से प्रस्तावित हाई स्कूल और इंटर बोर्ड की परीक्षाओं की निगरानी के लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद ने 7000 कक्ष निरीक्षकों की सूची जारी कर दी है। कक्ष निरीक्षकों को फोटोयुक्त परिचय पत्र केंद्र व्यवस्थापक से हासिल करना होगा, साथ ही परीक्षा केंद्र के भीतर अनिवार्य रूप से इसे अपने पास रखना होगा। परीक्षा के लिए 199 केंद्र बनाए गए हैं। बुधवार को भी राजकीय जुबली इंटर कॉलेज में बने डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम से सभी परीक्षा केंद्रों की लाइव मॉनिटरिंग का ट्रायल किया गया। इस दौरान जो तकनीकी समस्याएं आईं उन्हें दूर किया गया। वहीं माध्यमिक विद्यालयों में प्रवेश पत्र वितरण का कार्य भी अंतिम चरण में है। बता दें कि यूपी बोर्ड की परीक्षाएं 24 मार्च से 2 पालियों में होंगी। हमारे शासन द्वारा 199 केंद्र अनुमोदित किए गए हैं। उसमें केंद्र व्यवस्था के साथ समन्वय के साथ सारा प्रबंधन व्यवस्था की गई है। पुलिस के डिप्लॉयमेंट के लिए आदेश किया गया, मजिस्ट्रेट्स तैनात किए गए हैं, स्टैटिक मजिस्ट्रेट्स और भ्रमणशील रहेंगे हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट्स, जोनल मजिस्ट्रेट्स, उनका प्रशिक्षण किया गया। वो लगातार अभी भ्रमण कर रहे हैं, क्षेत्र की जानकारी दे रहे हैं। अवस्थापना में कुछ कमी है तो उसका सुधार किया जा रहा है। और एक सारे हमारे परीक्षार्थियों के लिए सुगम व्यवस्था हो, इसके लिए व्यवस्था की जा रही है। और कंट्रोल रूम हमारा क्रियाशील है, उसमें सभी कैमराज जो लगे हैं परीक्षा केंद्रों में, कक्षाओं में, उसका सीधा प्रसारण हम मॉनिटर कर रहे हैं। और ये भी व्यवस्था की जा रही है कि हमारे उड़न दस्ते टीम लगातार जितने भी ऐसे तथ्य हैं जिन्होंने जिन केंद्रों में पिछले सालों में कोई ऐसी गतिविधि हुई है तो उन पर निगरानी रखी जा रही है। और वहाँ अगर कोई भी बात ऐसी मिलती है तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। गोरखपुर की कैंट पुलिस ने अंतरजनपदीय वाहन चोर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से चोरी की 8 मोटरसाइकिलें भी बरामद की हैं। पकड़े गए वाहन चोर अलग अलग जिलों से बाइक चोरी की घटना को अंजाम देकर नेपाल में बेच दिया करते थे। पकड़े गए वाहन चोरों के नाम हंसराज, अनिकेत व दीनानाथ है। इस संबंध में SPCT सोनम कुमार ने बताया कि इनके 2 अन्य साथियों को गिरफ्तार करने के प्रयास किए जा रहे हैं। अंतर जनपदीय गिरोह है जो कि 2 पहिया वाहनों की चोरी करता था और उसे नेपाल लेकर के भेज देता था, उसका खुलासा किया गया है। इस क्रम में कल रात्रि में भ्रमण के दौरान ये 3 मोटरसाइकिल जिनके पास से बरामद किए गए थे, कल लगभग 10:45 बजे पावर हाउस कोली मोहतीपुर से इन्हें गिरफ्तार किया गया था। इनके नाम है हंसराज निषाद, दीनानाथ और अनिकेत राय, ये 3 लोग हैं। और इनके साथ जो 2 सहयोगी हैं आकाश और कुलदीप, ये लोग नेपाल के रहने वाले हैं, इनसे संपर्क में रहकर ये लोग उनको बेचते थे। इनकी निशानदेही पे 5 और मोटरसाइकिल बरामद की गई है। ये लोग रेलवे स्टेशन पे या फिर BRD मेडिकल कॉलेज की पार्किंग में चोरी करने के बाद इन मोटरसाइकिल को खड़ा कर देते थे और वो उसके बाद उसे नेपाल लेके जाते थे। इनके पास से 8 बरामदगी हुई है, पल्सर, बुलेट, स्प्लेंडर, फैशन एक्सप्रो, पल्सर, स्प्लेंडर, सुपर स्प्लेंडर और फैशन क्लब।
ये इनके पास से बरामद हुआ है। गोरखपुर जिले में किसी भी तरह की परेशानी हो तो IGRS के हेल्पलाइन नंबर 0551-220-4196 पर फोन कर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। जिला मुख्यालय के ए डिस्ट्रिक्ट में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। ए डिस्ट्रिक्ट मैनेजर नीरज श्रीवास्तव IGRS पोर्टल पर आई शिकायतों का रात 10 बजे तक निस्तारण करते हैं। DM विजय किरण आनंद ने बताया कि शासन स्तर से जनता की सुविधा के लिए आपातकालीन सेवाएं 108 फायर ब्रिगेड, 102 महिला एम्बुलेंस, 108 एक्सीडेंटल सेवा, 112 पुलिस सहायता, 181 महिला हेल्पलाइन एवं 1090 वुमेन हेल्पलाइन सेवाएं शुरू की गई हैं। जिला मुख्यालय के ए डिस्ट्रिक्ट में स्थापित कंट्रोल रूम में शिकायतों के संबंध में 0551-220-4196 पर सहायता ले सकते हैं। हमारा कंट्रोल रूम सक्रिय है, हम लोग लगातार इसमें संपर्क कर रहे हैं हमारे ग्राम स्तरीय कर्मचारी और जनप्रतिनिधियों से, प्रधानों से, ताकि हमारे कर्मचारीगण गांव में बैठें, अपने रोस्टर के अनुसार लोगों को सेवाएं दें। जितनी भी हमारी सेवाएं, करीब 200 से अधिक सेवाएं ग्राम स्तर पे नगरीय निकायों में दी जाती हैं, चाहे वो आय जाति निवास प्रमाण पत्र हो, विरासत हो, जमीन संबंधित मामले हों, थाना संबंधित मामले हों, या विकास की योजनाओं में आच्छादन की बात हो उसमें जोड़ने के लिए, और अगर कहीं शिथिलता मिलती है, अनियमितता मिलती है, योजनाओं में आच्छादन में कमी मिलती है, जानकारी के अभाव है, उसके लिए भी हमारे कंट्रोल रूम में संपर्क करने के लिए लगातार हम लोग संपर्क कर रहे हैं। हर एक पंचायत भवन में, स्कूल की बिल्डिंग में, शासकीय भवनों में ये नंबर अंकित किया जाएगा। IGRS में जो भी शिकायत दर्ज की जा रही है उसका फीडबैक लिया जा रहा है और फील्ड में भेज के स्वतंत्र रूप से चेकिंग भी किया जा रहा है, और अगर कहीं ग्राम स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे, तहसील स्तर पे गलतियां होती हैं, शिथिलता या अनियमितता बरती जाती है, तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके कार्रवाई होगी। गोरखपुर के फर्टिलाइजर में स्थित SSB प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले 442 प्रशिक्षुओं का पासिंग आउट परेड 29 मार्च को किया जाएगा। इस बात की जानकारी सशस्त्र सीमा बल के DIG रजनीश लांबा ने दी। उन्होंने कहा कि SSB जवान भारत की सुरक्षा और सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद अब ये जवान भी अलग अलग जगहों पर देश की सेवा में तैनात होंगे। संदेश यही है कि SSB के यहाँ पर गोरखपुर में स्थापित होने के बाद SSB ने बहुत बड़ी बड़ी पासिंग आउट परेड्स, ट्रेनिंग के बहुत बड़े इवेंट किए हैं। तो एक हमारा और अभी पिछले कोविड के प्रकोप के दौरान भी एक 442 ट्रेनीज़ का, नव आरक्षित का, कांस्टेबल्स का, जो कि ऑल ओवर इंडिया से हमारे पास यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो 29 मार्च मंगलवार को वो पासिंग आउट परेड उनकी होनी है। तो वो बच्चे जो हमारे एक आम नागरिक से एक बड़े जिम्मेदार नागरिक, एक SSB के सक्षम, समर्थ और भारत की सेवा करने के लिए तत्पर और उस पर अपनी जान तक न्यौछावर करने के लिए प्रेरित होकर के हम यहाँ से उनको भारत की जो इंडो नेपाल, इंडो भूटान बॉर्डर्स हैं और जहाँ जहाँ पे नक्सल या आतंकवाद प्रभावित एरिया है, वहाँ पर उनकी सेवाओं के लिए हम तैयार करके भेजेंगे। अमर शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के शहादत दिवस पर बुधवार को दिशा छात्र संगठन व नौजवान भारत सभा मोटरसाइकिल व साइकिल यात्रा निकाली गई। गोरखपुर विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार से निकाली गई ये यात्रा भगत सिंह चौक पर संपन्न हुई, जहां भगत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इस दौरान संगठन के लोगों ने भगत सिंह राजगुरु अमर रहे के नारे भी लगाए। इस संबंध में संगठन की सदस्य अंजलि ने कहा कि अमर शहीदों ने देश की आजादी के लिए अपना सब कुछ निछावर कर दिया। हम लोग दिशा छात्र संगठन और नौजवान भारत सभा की तरफ से लंबे समय से एक शहीद स्मृति अभियान चला रहे हैं, और इस शहीद स्मृति अभियान के पीछे का हमारा मकसद ये है कि भगत सिंह के बहादुरी के पक्ष को तो लोग जानते हैं कि वो बम पिस्तौल की राजनीति कर रहे थे, या वो फांसी चढ़ गए थे, सैंडर्स की हत्या किए थे, असेंबली में बम फेंके थे, लेकिन जो उनका वैचारिक पक्ष है कि वो आज़ादी के बाद कैसा समाज बनाना चाहते हैं,
ये बात बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है। यहाँ तक कि हमारे सिलेबस में भी राष्ट्रीय आंदोलन में जो क्रांतिकारियों की धारा है उसको 1 से 1.5 पेज में समेट दिया गया है। तो हम लोगों का मकसद ये है कि भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी जैसा समाज चाहते थे उनके विचारों उनके सपनों को लोगों को बताया जाए। हर साल 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। इसी क्रम में बुधवार को गोरखपुर जनपद के जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने जनपद के समस्त ग्राम प्रधानों के साथ जूम मीटिंग कर उन्हें अपने अपने क्षेत्रों के लोगों को क्षय रोग के प्रति लोगों को जागरूक करने का निर्देश दिया। आपको बता दें कि जिला प्रशासन द्वारा जनपद में 4600 मरीजों को चिन्हित किया गया है जिन्हें 24 मार्च को गोद लेकर उनका सुचारू रूप से इलाज कराया जाएगा। तो जितने भी आज की तारीख में हमारे जनपद में चिन्हित हुए हैं 4600 टीबी मरीज, उन सबको गोद लेने के लिए हम लोगों ने प्रक्रिया प्रारंभ की है। मेरे द्वारा हमारी सभी टीम के जिला सभी जिला डिपार्टमेंट्स के हेड्स द्वारा टीबी मरीजों को गोद लिया जा रहा है और साथ ही साथ स्थानीय प्रतिनिधियों को भी हम लोग प्रेरित कर रहे हैं ताकि वो गोद लें और एक जन अभियान के रूप में हो। इसमें उद्यमियों से भी हम लोग अनुरोध कर रहे हैं और बढ़ चढ़कर प्रतिभागिता दिख रही है। हमें पूरा विश्वास है कि इसी जज्बे के साथ अगर काम करेंगे तो हम अपने लक्ष्यों में जरूर कामयाब होंगे। नरसिंहपुर स्थित मदिरा एवं बियर की दुकान को स्थानीय नागरिक वहां से स्थानांतरित नहीं होने देना चाहते, जिसका मुख्य कारण है कि जहां दुकान स्थानांतरित होने जा रही है वहां पर 20 से 25 मीटर की दूरी पर प्राचीन शीतला माता का मंदिर है जिसके प्रति श्रद्धालुओं की अपार श्रद्धा है। कुछ दिन पूर्व ही केसी लॉन के मालिक के ऊपर वहां पर दारू पी रहे मनबड़ किस्म के लोगों ने जानलेवा हमला किया था जिसके कारण माहौल खराब होने की संभावना थी, लेकिन शासन प्रशासन की सक्रियता के कारण ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। मदरा की दुकान का लाइसेंस इलाहीबाग हार्वर्ड बंधा का है जिसको लेकर वहां के स्थानीय लोग बुधवार को आबकारी विभाग पर पहुंचकर इस मदरा की दुकान को मंदिर के पास में स्थानांतरित नहीं होने के संबंध में जिला आबकारी अधिकारी से मिले। टॉनी श्रीवास्तव, प्रदेश उपाध्यक्ष हिंदू महासभा। हम लोग की मांग ये है कि नरसिंहपुर में दारू दुकान है वह विवाद का केंद्र बिंदु है। वहाँ से महिलाएं गुजरती हैं, लड़कियां गुजरती हैं, उनके साथ छेड़छाड़ होता है। वहाँ पे खुलेआम सड़क पे जो है बैठा के लोग दारू पिलाते हैं। हमारी इसलिए मांग है उस दुकान तत्काल हटा दिया जाए, और नहीं हटाया जाएगा तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। आपने शिकायत की है, क्या आश्वासन मिला? उन्होंने कहा कि हम जाँच करके आवश्यक कार्रवाई करेंगे। मोहल्ले वालों ने ज्ञापन दिया है, उनकी जानकारी थी कि ये दुकान नरसिंहपुर में ना होके इलाहीबाग में चल रही है, इलाहीबाग के नाम से है, मगर उनकी ये बात गलत है। जो है दुकानें दोनों नरसिंहपुर के नाम से हैं, विदेशी मदरा और बियर की, और उनके ज्ञापन के आधार पर जो है मैं क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षक से जांच करा लूँगा। जो है अगर आबकारी नियमों के अनुसार वो उचित स्थल है तब जनता को समझाने का प्रयास किया जाएगा, यदि उसमें जनता को कोई दिक्कत हो रही है तो उस दुकानों को हटाने का भी प्रयास किया जाएगा। 11वीं वाहिनी वाराणसी की टीमें आपदा प्रबंधन एवं बचाव हेतु उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में मॉक अभ्यास कर रही हैं। इसी कड़ी में बुधवार को क्षेत्रीय प्रत्युत्तर केंद्र गोरखपुर पर 35 सदस्यीय NDRF की टीम और रेलवे स्टेशन गोंडा में गोंडा जिले के अन्य हितधारकों द्वारा संयुक्त रूप से रेल दुर्घटना पर एक मेगा मॉक अभ्यास किया गया। गोंडा जंक्शन के पास एक ट्रेन एक्सीडेंट सिनेरियो पर मेगा मॉक एक्सरसाइज की है जिसमें एक ट्रेन का डिरेलिंग का सिनेरियो बनाया गया था और इस सिनेरियो में सभी स्टेक होल्डर ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और साथ ही साथ अपने रिसोर्सेज और अपनी कैपेबिलिटीज का इस्तेमाल किया। इसका मुख्य उद्देश्य अपने कोऑर्डिनेशन के साथ स्टेक होल्डर्स का काम करना और साथ ही साथ अगर कोई ऐसी कमी रह जाती है तो उसको समय रहते हैं ताकि अगर रियल सिनेरियो में कोई एक्सीडेंट होता है तो उस एक्सीडेंट में ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं और लाइफ और प्रॉपर्टी को हम ज़्यादा से ज़्यादा बचा सकते हैं। अमर शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के शहादत दिवस पर भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह और कार्यकर्ताओं ने भगत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया।
भगत सिंह राजगुरु अमर रहे के नारे भी लगाए। इस संबंध में क्षेत्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि अमर शहीदों ने देश की आजादी के लिए अपना सब कुछ निछावर कर दिया। भारत माँ को आजादी दिलाने वाले अमर शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, जिनकी फांसी आज ही के दिन लाहौर के जेल में हुई थी, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन भारत माता के लिए बलिदान दिया था, ऐसे अमर शहीदों को याद करने के लिए आज उनकी पुण्यतिथि है, बलिदान दिवस है। पूरा देश उनसे प्रेरणा लेता है। इसी प्रकार शहीद भगत सिंह की प्रतिमा पर आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष हरेंद्र यादव और कार्यकर्ताओं द्वारा भारत के तीन क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के दिए गए देश के स्वतंत्रता के लिए प्राणों की आहुति पर उन्हें नमन करते हुए माल्यार्पण और कैंडल जलाकर भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। आज हमारे शहीद भगत सिंह जी का हमने उनकी मेहनत, उनके आज़ादी के लड़ाई को सबने देखा, सबने सुना, सबने अनुभव किया और आज उन्हीं की देन है कि आज़ादी हम स्वच्छंद रूप से जी पा रहे हैं। उसी के एवज में उनके बलिदान को याद करते हुए आज हमने उनके जो है शहीद दिवस मनाया। समाजवादी चिंतक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की 112वीं जयंती, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा जिला अध्यक्ष अवधेश यादव के नेतृत्व में गोरखपुर जनपद के बेतिहाता स्थित पार्टी कार्यालय पर बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने लोहिया के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद करने के साथ ही शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के बलिदान दिवस पर उनको नमन भी किया। आज समाजवादी पार्टी कार्यालय पर लोहिया जी का जन्मदिन है और समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता बड़े जोशो खरोश के साथ आज लोहिया जी का जन्मदिन मना रहे हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में आज ये कार्यक्रम रखा गया। देखिए, लोहिया जी ने हमेशा महिलाओं के सम्मान के लिए, समाज में बराबरी के लिए, जाति व्यवस्था को तोड़ने के लिए, हिंदी के सम्मान के लिए एक लड़ाई लड़ा था उन्होंने। उसी लड़ाई को आज समाजवादी पार्टी आगे लेके चल रही है। 2022 विधानसभा चुनाव के समाप्त होने के बाद और सीएम योगी के शपथ लेने से ठीक पहले पेट्रोलियम पदार्थों के दामों में हुए वृद्धि को लेकर विपक्षी पार्टियों ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि पेट्रोलियम कंपनियों ने डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए हैं, जिसकी वजह से रसोई गैस सिलेंडर में 50 रुपए की वृद्धि हुई है तो वहीं पेट्रोल और डीजल के दामों में 80 पैसे की बढ़त हुई है, जिस कारण गोरखपुर शहर में आज पेट्रोल 97.10 रुपए प्रति लीटर और डीजल 88.63 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। इस संदर्भ में सपा जिला अध्यक्ष अवधेश यादव का कहना है कि योगी पार्ट टू में महंगाई और भी बढ़ने वाली है। देखिए, अभी तो महंगाई और आगे जानी है। ये लोग तो चुनाव में जब हिमाचल में हारे थे उसके बाद एक ब्रेक इन्होंने डीजल पेट्रोल की वृद्धि पर लगाया था। ये आम जनता जो भी समझदार थे वो लोग इस बात को समझ रहे थे, इसलिए उन लोगों का समर्थन समाजवादी पार्टी के साथ। लेकिन हमने ये देखा कि जो भारतीय जनता पार्टी आज जिस तरीके से आपने देखा होगा विधान परिषद के चुनाव चल रहे हैं और जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या हो रही है, तो हम लोगों को तो शक है कि ये जो सरकार भी बनी है ये कहीं कहीं बीमारी से बनी है। सरकार जनमत से नहीं बनी हुई है। अगर जनमत की सरकार होती तो बैलेट पेपर से तो समाजवादी पार्टी 304 सीटों पर जीती हुई है। तो ये सब देखते हुए यही लगता है कि ये लोग हताश और निराश हैं। इनको यहाँ तक भरोसा नहीं है कि अगर सपा के लोग पर्चा दाखिल कर देंगे तो हमारे लोग जीत पाएंगे, नहीं जीत पाएंगे। सोचिए, जिस दल के लोग सत्ता में रहते इतना डरे हो, इसका मतलब उन्होंने सत्ता का चिरहरण किया। जेसीआई स्वराज द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन गोरखपुर के सिविल लाइन इलाके में स्थित एक होटल में किया गया। इस मौके पर संगठन की महिलाओं ने होली गीत पर जमकर नृत्य किया और एक दूसरे को होली की बधाई दी। सत्य घटना में ये थी अब तक की खबरें। तेज सटीक और ताजी घटनाओं को जानने के लिए जुड़े रहें अमेज नाउ के फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल और वेब पोर्टल से। इस संग में बस इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।
आप देख रहे हैं अमेज नाउ।